आज़ादी के बाद जो देश की आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी, या कहें कि हम लोग इकोनॉमिकली जो इंडिया की कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। यहाँ की जो जीडीपी थी वो ज़ीरो समझ लीजिए, वो बिल्कुल जीडीपी ज़ीरो के बराबर थी। और डेवलपमेंट के लिए जो सबसे रिक्वायरमेंट थी कि कुछ मतलब तेज़ी के साथ उनको इंडिया की इकोनॉमी को पुश किया जाए जिससे कि सब कुछ थोड़ा बैलेंस होने लगे। यहाँ पे जो मोस्टली जो पब्लिक थी, जो विलेज में रहती थी, जो गांव में रहती थी, उनको टू टाइम्स का मेल यानी कि दो टाइम का खाना भी उनको प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाता था। ऐसी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन को, आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने 1950 में पंचवर्षीय योजना फाइव ईयर्स प्लान लेकर आई। और ये फाइव ईयर प्लान स्टार्टिंग में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के अंडर में होता था। ये प्लानिंग कमीशन ही फाइव ईयर्स के लिए प्लान बनाती थी। इसमें बेसिक जो नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट होती थी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, यहाँ के पब्लिक के लिए, इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए, इंडस्ट्री को इकोनॉमिकल ग्रोथ करने के लिए, सबसे बढ़िया है कि भाई आप इकोनॉमी बनाइए, कैपिटल बनाइए, और कैपिटल बनाएंगे तो उसको इन्वेस्ट करिए। इसके लिए इंडस्ट्री को भी डेवलप करने की आवश्यकता थी। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सबको मिलकर साथ में काम करना था। उसके लिए जो हमारी प्लानिंग कमीशन योजना आयोग थी 1950 में, 1950 में, 1950 से लेके 2014 तक ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, फाइव ईयर्स प्लान है, ये सर इसी के प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के अंतर्गत ही आती थी। और फाइव ईयर्स प्लान कहाँ कहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा, गवर्नमेंट की जो टोटल इकोनॉमी है उसको किस पार्ट से उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, ये सारा कुछ 1950 से लेकर और 2014 तक ये सारा काम योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन करता था। फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 2014 में 15 अगस्त 2014 को इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी, और अनाउंसमेंट में इन्होंने घोषणा में कहा कि अब जो योजना आयोग जो काम करता था, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का जो काम है इसका नाम परिवर्तित करके इसके स्थान पे नीति आयोग, आगे से पंचवर्षीय योजनाएं और देश के विकास के लिए ये कार्य सब नीति आयोग कार्य करेगा। और प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया यानी कि योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया किससे, नीति आयोग। नीति आयोग, बहुत सारे लोग नीति आयोग का फुल फॉर्म जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर में है नीति आयोग। नीति आयोग जो कि योजना आयोग की जगह ले लिया, 15 अगस्त 2014 में मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया और उसके बाद फरवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हो गया। और आगे से जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनने लगी और देश के विकास के लिए जो भी आर्थिक नीतियां और इसके अंतर्गत बहुत सारी नीतियां आती हैं वो सब नीति आयोग के अंतर्गत आती हैं। नीति आयोग, ये नीति आयोग शॉर्ट फॉर्म में है, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। योजना आयोग के स्थान पे क्या कौन सी संस्था आ गई, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये फरवरी 2015 से आई और इसके अंतर्गत बहुत सारी देश के, यहाँ लिखा भारत परिवर्तन संस्था, भारत को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने के लिए और बहुत सारी नीतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं जिससे कि देश के विकास में जो कार्य करती हैं। इसका जो प्रधान कार्यालय है, या कहें कि इसका जो नीति आयोग का जो भवन है वो है न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में स्थापित है। नीति आयोग के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं, उनके साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के वहाँ के भी राज्यपाल वहाँ के, और ये सारे लोग मिलकर नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। इनकी उपस्थिति में पंचवर्षीय योजनाएं और देश के विकास के लिए और बहुत सारी योजनाएं वगैरह इसमें बनती है। तो समझ गए कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान को ही चेंज करके नीति आयोग बनाया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को परिवर्तित करे कि भारत बदल रहा है, सुना ना, मेरा देश बदल रहा है। तो ये नीति आयोग का यही काम था कि देश को बदलेंगे, हमारा देश बदल रहा है। आई थिंक कि आपको नीति आयोग का ये, नीति आयोग क्या है ये क्लियर हो गया होगा।